खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ऐसा शहर है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस के 1154 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 24 लोग मौत के काल में समा चुके हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 33 इलाके पहले ही सील कर दिए थे, जबकि हाल ही में 10 और इलाके सील किए गए हैं। लिहाजा दिल्ली में 43 इलाके कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सील किए गए नए इलाकों में ईस्ट ऑफ कैलाश के ई ब्लॉक का एक लेन है। इसके अलावा कैलाश हिल्स और गारी विलेज में शेरा मोहल्ला है। बाकी अबुल फजन एनक्लेव के दो इलाके हैं, दो मदनपुर खादर में हैं और दो साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट टू में हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली में पालम के पास महावीर एनक्लेव को सील किया गया है। बता दें, महावीर एनक्लेव में बंगाली कॉलोनी को कोरोना हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जो भी इलाके दिल्ली में सील किए गए हैं, वहां के ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज निजाम दिन के जमात कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सील किए गए इलाकों को रेड जोन और हाई रिस्क इलाकों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सील किए गए इलाकों में बड़े लेवल पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। सैनिटाइजेशन का काम आज से शुरू हो चुका है। हम बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, जिसमें इन सारे एरियाज के अंदर, ये एक तरह से रेड जोन्स हैं सारे हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, इनके अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन, सड़कों के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा जो एरियाज हमें हाई रिस्क जोन, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो हाई रिस्क जोन पाए जाएंगे, उन हाई रिस्क जोन को हम ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। रेड जोन तो वो हो गए जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, ऑरेंज जोन वो हैं जो कि हाई रिस्क जोन है, वहाँ पे भी हम सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जहाँ जहाँ कोरोना के ज्यादातर मरीज सामने आ रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा, जिसके तहत ना तो कोई उन इलाकों में प्रवेश कर पाएगा और ना ही कोई बाहर जा सकेगा। बता दें, दिलशाद गार्डन में ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, नतीजन यहाँ से 10 दिनों में कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। खासकर हमारी स्ट्रेटजी इस टाइम, हम लोगों ने दिलशाद गार्डन में एक प्रयोग करके देखा था। जब दिलशाद गार्डन में एक महिला विदेश से लौट के आई थी और उनके टच में आने वाले 6 या 7 और लोगों को कोरोना हो गया, तो उस पूरे एरिया को हमने सील कर दिया और उसको उस वहाँ पे ऑपरेशन शील्ड हम लोगों ने लागू किया, जिसके तहत उस एरिया के अंदर आने वाले लोगों, उस एरिया के अंदर नहीं आ सकते थे लोग, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते थे। सबके घरों में खाने की एसेंशियल सप्लाईज की गई और वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया गया, और उन सारे जो भी स्टेप्स उठाए हमने ऑपरेशन शील्ड के तहत, उसका नतीजा ये आया कि पिछले 10 दिन के अंदर, जब से ऑपरेशन शील्ड वहाँ लागू किया गया, एक भी नया कोरोना का पेशेंट नहीं आया है। इसके साथ ही दिल्ली के सरकारी मजदूरों, रिक्शा चालकों और ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति का भी पूरा ख्याल रखा गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से इन सभी लोगों को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सब लोगों को, जिन जिन के पास दो कंडीशंस हैं, वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और जिनके पास वैलिड करंट बैज है, कई लोगों के बैज एक्सपायर हो गए, उनको नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर इसका मतलब वो ड्राइवर का काम नहीं कर रहे, जिनके पास वैलिड करंट बैज है और जिनके पास वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, कल सुबह से दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट शुरू हो जाएगी। आप वेबसाइट पर जाके अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। हमारे पास आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं था जिसमें हम आपके पैसे डालते, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपके अकाउंट में हम 5,000 रुपये डलवा देंगे, ताकि इस विपदा की घड़ी में आपको थोड़ा सा मदद मिल सके।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में सैनिटाइजेशन के लिए हाईटेक जापानी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 20,000 वर्ग प्रति घंटे के हिसाब से सैनिटाइज करती है। दिल्ली सरकार को पीआई इंडस्ट्री ने ये मशीनें मुफ्त में मुहैया कराई है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की 10 मशीनों का इस्तेमाल भी सैनिटाइजेशन के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, यदि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी बीमार है तो उसकी जांच की जा रही है। नहीं देखिए, लगभग 20-21 हमने हॉटस्पॉट अभी तक कर दिए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम तो होता है घर घर जाके एक एक आदमी को मेडिकली देखना, तो उस काम को बहुत शिद्दत से बड़ी डिटेल में किया जा रहा है कि हर घर में जाते हैं, किसी को सिम्टम तो नहीं है। अगर किसी को भी सिम्टम्स को टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट करा के जैसे हमने एक जगह पे कराया तो उसमें 5 लोग ऐसे निकले, एक खुद जो फॉरेन ट्रैवल होके आए थे, 2 उसके फैमिली मेंबर, 2 उनके पड़ोस में नौकर थे वो निकले। तो इस तरह से मतलब उसको पूरे को स्कैन किया जा रहा है। मोटे तौर पर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में बड़े स्तर पर कोरोना धराशायी करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने की कोशिश भी की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग भी तेज हो रही है। पीएम मोदी कभी भी इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर में रहते हुए आप ऐसे लोगों पर भी नजर रखें जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।